सो गाइस, अगर आप लोग वियतनाम का प्लान कर रहे हो और ऊपर से वेजिटेरियन हो राइस के साथ, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज हिमांशु एंड आई एम अ ट्रैवल ब्लॉगर। भाई साहब, ये देख रहे हो रॉकेट? सो गाइस, ये जो टैंक है ये अमेरिकन सोल्जर्स का है। अरे वापस नहीं आना भाई, भाई भागा है ना दोबारा। तो हम लोगों ने कल जो किया था सनलाइन होटल, वो थोड़ा सा हायर रेंज का था, और आज हमने किया है ओयो रूम, ओयो होटल किया हुआ है यहाँ पे। सो ये 1500-1200 की रेंज में आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे और भी चीपर होटल्स हैं, आपको 700-800 में भी अच्छे होटल्स मिल जाते हैं। सो गाइस, हम लोगों ने कैब कर लिए अपने होटल से चुचीमिंग टनल के लिए। बेसिकली टनल्स, ये जो चुचीमिंग टनल्स है काफ़ी दूर है, करीबन आधे घंटे से हम लोग कैब में बैठे हुए हैं, चले जा रहे हैं। सो अगर आप लोग सोच रहे हो प्लान करने का वहाँ जाने का, तो टाइम दे के सोचना, बिकॉज थोड़ा सा दूर है। प्लस वन मोर थिंग कि अगर आप लोग कैब कराते हो ना होटल से, तो क्रॉस चेक कर ले ग्रैब में, ग्रैब ऐप जो मैंने बताई थी उसमें कितना रेट आ रहा है, उसके हिसाब से बार्गेनिंग करके ही कैब करें। ऐसा नहीं कि आपने महंगी कैब करा दी और ग्रैब में सस्ता हो रहा था, समझ रहे हो ना आप। अराउंड $50 हमें पड़ा है उसका डे टूर का, इसमें वेटिंग भी इन्वॉल्व है, इसमें 2 घंटा वेट करेगा। सो गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं चुचीमिंग टनल्स, और ये इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको। ये टनल्स जो हैं वियतनामी लोगों ने बनाए थे, 1940 में इसकी शुरुआत हुई थी, जब इन लोगों की लड़ाई हो रही थी फ्रेंच कॉलोनियल अथॉरिटी के खिलाफ, तो उन्होंने टनल्स बनाना शुरू कर दिया था। और ये टनल्स जो हाथ से बनाए गए थे ताकि लोगों को पता ना चले, और उस टाइम पे US ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपनी फोर्स डिप्लॉय कर दी थी, तो बहुत ज़्यादा सावधानी रख के ये टनल्स बनाए गए हैं। तो ये पूरे टनल्स का मैप है, एक एरिया से दूसरे एरिया तक जाने के लिए। सो यहाँ पे एक डिस्प्ले करे हुए हैं पुराने इस टाइम के हथियार। वो भाई साहब, ये देख रहे हो रॉकेट उस टाइम के, ज़बरदस्त है यार, एकदम मज़ा ही आ गया देख के। सो गाइस, काउंटर से हमने टिकट ले ली, आपको वहाँ से 2 टिकटें मिलेंगी, एक 90,000 डोंग की, एक 20,000 डोंग की, जिसमें से एक टनल्स की एंट्री के लिए है और एक आपके गाइड के लिए है, जो कि अराउंड 300-350 के आसपास इंडियन करेंसी में पड़ता है। आप लोग इस टनल से बाहर निकलते हैं, तो एक यहाँ पे एंट्री बोर्ड है जहाँ पे आपको बताया हुआ है कि रूल्स क्या है वहाँ अंदर जाने के टनल्स के लिए, तो उसमें वही लिखा हुआ है कि आप गाइड को फॉलो करो, ग्रुप को छोड़ के मत जाओ, बिकॉज टनल्स हैं ये वो, थोड़ा अंधेरे वाली जगह भाई। सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, यू कैन सी पीपल कैन ईट अंडरग्राउंड। तो गाइस, ये है इसकी एंट्री। सो गाइस, अभी हमको यहाँ पे मूवी दिखा रहे हैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताने के लिए, आई होप आपको आवाज़ आ रही हो। Large and complicated like a spider web, next to the 8th highway of Saigon City. So guys, ये मूवी जो है आपको 54 मिनट की पूरी मूवी, जिसमें आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे कैसे ये लोग विलेज में रहते थे, और उसके बाद जब अमेरिकन्स ने हमला किया तो कैसे इन लोगों ने अपने आप को प्रिपेयर किया। काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको वीडियो के लास्ट में पूरी मूवी डाल दूंगा अगर आप इंटरेस्टेड हो गए। वैसे हमने भी नहीं देखी पूरी 54 मिनट की मूवी, बिकॉज 1 घंटा कौन वेट करेगा, बट 15-20 मिनट में सेंस लग रहा था कि क्या हो रहा है मूवी में। वही बेसिकली कैसे इन लोगों ने हथियार बनाया, कैसे अमेरिकन्स को भगाया और उनके टैंक्स बर्बाद किए, वो सारी चीज़ें आपको इस मूवी के थ्रू देखने मिलेगी। और ये टूर गाइड स्टार्ट करने से पहले बोलते हैं कि इस मूवी को देखना ज़रूरी है। At the time, only Vietnamese slim small they can get down, not easy. The army recognized the good going because they are. From here, we can good go everywhere around. And when we go down, last minute we go down, you leave him shell. We set up one grenade on the cover, on the door, we close the door. When the army come in, they look at the door, open the door, what happened? Yes, grenade blow up, but it's choice right here. Everybody on the route, we could out of way. Look at the rainbow door, we cut wood make door, we close door.
the rainy season, water come here to Usuel, Spain. Water, Rotano, and Farito. Okay, look at me, we can see how they go down to know. And later, you can try, okay? Okay. This one, you leave him shell first, and then hold the door first. Good finger to my middle. Bring hands up. Come on, just out there. Okay, you want to be sure? Yeah, sure, why not? Bye. गाइड ने हमें ये बताया कि जो ये टनल्स हैं उसमें कैसे एंट्री करते थे यहाँ पे जंगलों में, यू नो, जैसे ही अमेरिकन सोल्जर्स आते थे वो अपने आप को ऐसे छुपा लेते थे अंदर टनल्स में और बाहर ग्रेनेड्स वगैरह फिक्स करके अपना अंदर घुस जाते थे. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और देखने में पता भी नहीं चल रहा है कि कहाँ बंदा गायब हो गया एकदम. सो गाइस, एज यू कैन सी, नथिंग इज हियर. ओके, अमेजिंग. The full autonomous system remain current every about 10 meters or 15 minutes make air the breathing hole. We should have the root of the turn might look like this high decline, stop raining water. The water cannot turn off, a lot of water get out. We should have a lot everywhere, battlefield, right? It needs a hole deeper, but 2 or 3 meters deeper. We should have a lot of hole here. सो गाइस, ये ट्रैप बनाया हुआ है कि अगर किसी ने इसमें पांव रखा और नीचे बैम्बू स्टिक्स लगी हुई है, एज यू कैन सी. तो काम खत्म है, मतलब है जिसने पांव रख दिया इसके ऊपर. सो गाइस, ये भी वेंटिलेशन होल है. यू आर्मी, दे कैन कम हियर व्हेन दे आर कमिंग. एवरी पीपल विद ऑन द टनल कम अप, वी होल्ड द गन रिमूविंग द फ्रॉम फाइटिंग. When they drop bomb here, the enemy quickly we jump up. On the tunnel city entrance, we have two directions, two ways. From here, to get that turn left, your everywhere can quickly go out to Saigon River. It's about 1 kilometer to Saigon River this way. Okay. And from here, to get a turn right, you can go to every route. Look, let's enter right here. At the time, so small, you dark cloak. Rainy season, water, yeah. Can not tunnel. सो गाइस, ये जो टैंक है ये अमेरिकन सोल्जर्स का है. 1970 में वियतनामी सोल्जर्स ने कैप्चर कर लिया था, यहाँ पे रखा हुआ है अभी भी. और इस टैंक को देख के मुझे वाला डायलॉग याद आ गया, धरती मेरी माँ है. अगर आपको भी याद आया तो कमेंट करके बताना किस मूवी का और कौन से एक्टर ने डायलॉग बोला था. सो गाइस, मैं उस टैंक के ऊपर बैठा हूँ जो वियतनामी सोल्जर्स ने अमेरिकन से हथियार लिया था और ये यहाँ पर रखा हुआ है जंगल के बीच में. In the war, we set up a lot on a battlefield. This end to deeper. Road. We hit from left to head. Oh, shit. We hit on slim had the door. We close the door. When the army outside, yeah, you left by kick to the quick inside. If I look inside, kick the quick, it's dropped out. Hit the bottom. Hit from left to head. Look, the enemy very smart. My two-part, high-part and close-part. Because army, they are very quickly. They hold the gun by stop the high-part. सो गाइस, ये जो आपको दिखाया अभी, ये सारे ट्रैप्स हैं जो उस टाइम पे वियतनामी सोल्जर्स ने बनाए थे अमेरिकन्स के लिए. और काफ़ी ख़तरनाक ट्रैप है, एकदम बिल्कुल जैसे जानवर को पकड़ने के लिए नाते हैं वैसी ही ट्रैप है. सो गाइस, अभी आ गए हम मिलिट्री वर्कशॉप पे. सो गाइस, ये वर्कशॉप में काम हो रहा है यहाँ पे बढ़िया, एकदम दबा के बम हथियार वगैरह रिसाइकिल करे जा रहे हैं US आर्मी के वियतनामी सोल्जर्स के द्वारा. ये देखिए, जो भी बम वगैरह वहाँ से फेंकते थे अमेरिकन्स, ये वियतनामी सोल्जर से तोड़ फोड़ के उनके गन पाउडर निकाल के उसको रिसाइकिल करके नए बम्स बना देते थे जो उन्हीं के अगेंस्ट यूज़ करते थे. काफ़ी टैलेंटेड लोग थे सीरियसली यार. सो गाइस, ये वो सारी गन्स है जो उस टाइम वॉर में यूज़ करी थी. और यहाँ पे गोलियाँ हैं और यहाँ पे अलाउड है, आप ये गन्स ट्राई कर सकते हैं. और मैं भी दिखा देता हूँ आपको क्या क्या यहाँ पे गन्स अवेलेबल हैं. सो गाइस, एज यू कैन सी, AK-47, M16, K-63 राइफल, एंड दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल एंड दीज आर दी प्राइसेस. सो गाइस, वो जो मैंने रेट बताया वो आपको एक शॉट के रेट हैं, एक गोली के रेट हैं. और आपको मिनिमम 10 शॉट्स लेने होते हैं तभी आपको अलाउड होता है यहाँ पे. सो गाइस, ये है वो शूटिंग रेंज जिसकी मैं बता रहा था आपको. How was it? It was good. I don't want to do it.
सो गाइस शूटिंग रेंज के बाद ये हम यहाँ पर किचन में आए हैं। सो इस तरह से ये लोग यहाँ पे खाना वगैरह बनाते थे। ये चूल्हा है उनका। गेहूं पीसने की मशीन है ना, चक्की। ओके, यहाँ पे इनके ऊपर ऐसे करके देख रहे हो आप। सो गाइस अब हम लोग पहुंच गए टनल डिगिंग साइट पे। सो गाइस ये देख रहे हो, अभी इसके पूरा गड्ढा करके इसके अंदर ये बैम्बू के थ्रू मिट्टी निकालते थे और यहाँ से ये लेडी जैसे आप मॉडल के थ्रू देख रहे हो ऐसे करके मिट्टी सूपे की सहायता से नीचे को फेंक देती थी। वाह। सो ये कार टायर के थ्रू उन्होंने ये चप्पल बनाई हुई है। वाह। सेटिंग करी थी चप्पल में कि वो उल्टी पहन सकते थे और जहाँ भी जाते थे उल्टी चप्पल के निशान पड़ते थे ताकि सोल्जर्स कन्फ्यूज हो जाए, अमेरिकन सोल्जर्स कन्फ्यूज हो जाए कि लोग इधर गए बट एक्चुअली में लोग आगे की तरफ जा रहे होते थे। समझ रहे हो ना आप, समझ रहे हो ना कितने टैलेंटेड और क्लेवर थे। सो गाइस ये वियतनामी सोल्जर्स के बंकर्स हैं जिसके अंदर घुस के चुपचाप अमेरिकन्स पे हमला करते थे। आई होप आपको दिख रहा होगा। ओ माय गॉड, करें तू जाएगा अंदर। तो गाइस ये बंकर है छोटा छोटा, आपको बिल्कुल बैठ के जाना होता है। भाई अंधेरा है भाई अंदर, तो पूरा है अंधेरा है। अरे वापस नहीं आना भाई, अंधेरा है भाई अंदर। करण फट गई है, वापस आ रहा है। आराम से बैठ के। आई डोंट नो दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, देख लो कितने छोटे छोटे से। So this is the way out. That's the keep going. Is the exit? This is the exit. If you want to keep going, you can go. No. Oh my god. Are you going? So guys, अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा है। I don't know आपको दिखा नहीं दिखा, छोटी है गुफा बहुत ज़्यादा, टनल्स जो हैं बहुत छोटे छोटे हैं और अगर आप थोड़े से प्रॉब्लम है तो आप नहीं जा सकते अंदर और थोड़े से भुलभुलिया टाइप की भी है। So this is the second exit. You want to go more again? Go straight. How much further is it? Another 30 meter. This is the third exit. तो ये ऐसे टनल छोटे छोटे निकले हुए हैं और यहाँ से एंट्री और एग्जिट्स हैं। अंदर काफ़ी छोटे हैं, आपको बिल्कुल एकदम बैठ के आना जाना पड़ रहा है। सो गाइस ये डाइनिंग रूम है खाना वाना खाने के लिए सोल्जर्स के लिए, बिल्कुल एकदम बंद करके अंदर बनाया हुआ है। और ये किचन है साथ में, तो यहीं खाना वाना बनता था सोल्जर्स का और यहाँ से बगल में डाइनिंग रूम में खाते थे ये लोग। समाप्ति की घोषणा और इस तरह से हमारा होता है कूची मिंग टनल्स का टूर ख़त्म। एक्चुअली मैंने पहले थोड़ा गलत प्रोनाउंस किया था इसे, इसका नाम है कूची मिंग टनल्स, ठीक है। सो गाइस हमने सोचा था टनल्स इतने बड़े होंगे, आपको याद होगा जब हम आ रहे थे तो ये हमें लगा था इतने इतने टनल्स होंगे और करण बिल्कुल एकदम जोश के साथ गया था कि आज तो पूरे टनल्स निपटाने ही हैं। पर जब असली टनल आए, जो भाई भागा है ना दोबारा वापसी में, इतने छोटी छोटी ना वियतनाम से टी शर्ट तो देखो भाई ने वही पहनी है एकदम वियतनामी। आज दोनों भाई मतलब वियतनामी हो रहे हैं, कहीं लाल लाल है, लाल के ऊपर पीला एकदम तारा चमकाते हुए हैं। सो गाइस हम लोग वापस अपनी टैक्सी से निकल गए हैं अपने होटल के लिए। सो बेसिकली अराउंड डेढ़ घंटे से ऊपर वहाँ लग जाता है अगर आप प्रॉपरली हर एक जगह पे रुकोगे, टनल्स पे जाओगे, सब कुछ ट्राई करोगे। और आई रिकमेंड कि आप सेकंड हाफ में आओ, बिकॉज क्या होता है कि अभी हम जैसे दिन में आए थे तो काफ़ी धूप थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो ऐसे टाइम पर अगर आप आओ इवनिंग के टाइम पर तो हो सकता है थोड़ी गर्मी कम लगे।
सो गाइस अभी इस टैक्सी से मुझे पता लेह की याद आ गई, बिकॉज हम लोग लेह में भी साथ में ट्रैवल कर रहे थे करण और मैं, और काफी देर से इसमें ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां की याद आ गई, बिकॉज वहां पे भी काफी लंबे समय तक टैक्सी में ट्रैवल करना था। आपने अगर लेह वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक ऊपर कहीं आई बटन में आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में कहीं मिल जाएगा, देखो बहुत अमेजिंग वीडियोज बनाई है मैंने। सेप्टेम्बर एंड में मैं गया था, काफी मजा आया, काफी इंजॉय किया, और मतलब डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी होटल से लेके एवरीथिंग, समझ रहे हो ना बिल्कुल, तो पक्का जाके देखना एक बार। सो गाइज हम लोग होटल में पहुंच गए हैं। अभी हम जो रुके हैं वो हरिजन होटल में रुके हुए हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट वन में है। इट इज इन डिस्ट्रिक्ट वन राइट। द गेस्ट कम नाउ होटल वी हैव ट्राई माय बेस्ट टू हैव फॉर एवरीथिंग व्हेन नेसेसरी। लेट मी टेल यू He's really sweet guy. He's very helpful basically. He's really helpful. Yep. Really the important about cheap but always keep the something man. Keep the last guest or yeah, everything. Yeah, 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 yeah. Thank you so much. तो भाई बेसिकली इन्होंने हमारी हेल्प करी लगेज वगैरह, वैसे सभी होटल में होता है ऐसा, बट फिर भी थोड़ा बहुत हेल्पफुल था, टैक्सी वैक्सी अरेंज करा दी, थोड़ा ग्रैब सस्ते रेट में दिला दी जैसे कि मैंने बताया था। हेलो माय फ्रेंड कम हियर, दे आर लॉस्ट। हेलो हेलो, वेयर आर यू?